हेलो डियर स्टूडेंट हाउ आर यू डियर स्टूडेंट इस सेशन में स्पेशली हम बात करेंगे जे मेंस सेशन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर नो डाउट दोज स्टूडेंट हुई मेन्स दे हैव टू स्पेंड देयर टाइम फॉर द जेई एडवांस बट यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोर्ड अपेयरिंग स्टूडेंट्स स्पेशली उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं जो बोर्ड स्टूडेंट्स थे पर्स में बहुत अच्छे स्कोर नहीं किया, या जो डॉपर्स हैं जिनका जय मेन सेशन में स्कोर बहुत अच्छा नहीं था उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है अब भी जय मेन सेशन टू मीन जो फिफ्थ अप्रैल टू फिफ्टीन अप्रैल तक 4 अप्रैल टू 15 अप्रैल तक कंडक्ट होना है इसमें आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट से जिनका एक मैक्सिमम uh, स्ट्रेंथ है ऐसे स्टूडेंट की जो ट्वेल्थ अपेयरिंग थे अब बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये सब स्ट्रेस होने के कारण उनके एक बात की बहुत अच्छा रिविजन नहीं कर पाए अद्यप आप लोगों ने बहुत प्रयास किया और चूंकि आपने देखा मैंने जो जे मेन्स फर्स्ट सेशन के लिए जो रिवीजन स्ट्रेटजी हेडिंग रिवीजन स्ट्रेटजी बूस्टर प्लानिंग स्ट्रेटजी सारे डिस्कस किए थे और जिन स्टूडेंट ने इसको फॉलो किया नो डाउट उनमें से कुछ स्टूडेंट का स्कोर बहुत अच्छा थ्री स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटाइल हंड्रेड थी उन्होंने इस बात को फॉलो किया था कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी एडॉप्ट करना लेकिन अच्छा सब करने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा नहीं हो पाया उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस यू नो सेकेंड सेशन एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जो चैलेंजिंग है और इसके लिए कुछ पॉइंट में आपको डिस्कस कर रहा हूं आपको सेशन फर्स्ट से सबक लेते हुए आपके अपने वीकेस्ट एरिया को सर्च करना इधर वो फिजिक्स में हो मैथमेटिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो आप वीक सेक्शन क्या था वीक एरिया क्या थे क्यों रिजल्ट आपका डाउन हुआ उसको आपको बहुत अच्छी तरह से सर्च आउट करने के बाद अपडेट करना पड़ेगा इन अट इंटरवल ऑफ टाइम ओके वो किसी सब्जेक्ट में हो सकता है बट आपको एक चीज ध्यान रखना है आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लून नहीं करना बिकॉज यू नो वेल आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं पीछे क्यों नहीं कर पाए क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम थी एक साथ कई आपके सामने चैलेंजेस थे उन्हें फेस करना था आपने फेस किया और एक आप अपने सक्सेस के बॉर्डर को क्रॉस कर दिया वो ट्वेल्थ था डॉपर स्टूडेंट्स, नो no डाउट वो अपने एडवांस के प्रिपरेशन में इतने डेप्थ में पहुंच गए कि मेंस फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए लेकिन ये सभी नहीं है जिन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है वो अपना कंसनट्रेट करें थारोली एडवांस के लिए और अदर स्टूडेंट्स नो no डाउट आज के सेशन में उन्हें बताना चाह रहा हूं कि डियर स्टूडेंट आप भी इस समय भी मींस ट्वेंटी डेज अबाउट टू है सेकेंड सेशन के लिए जिनमें आप 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री आपके प्रसन्नता को कई गुना यानी मल्टीपल ग्रोथ कर सकते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे पॉइंट बता रहे हैं जिनकी सहायता से आप 99 प्लस परसेंटाइल गेन कर सकते हैं मीन्स सिक्सटी सेवेंटी अपटू एट्टी तक पहुंच सकते हैं और 65, 70 पहुंचते हैं तो नो डाउट नाइनटी नाइन परसेंटाइल तो आप टच कर लेंगे नो no डाउट क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में हंड्रेड परसेंटाइल गेन किया हमारे थ्री स्टूडेंट्स ने और 99 प्लस तो काफी स्टूडेंट्स थे इस बार आपको बहुत अच्छा करना है इसलिए केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो या फिजिकल इनमें देख लीजिए अब कुछ पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए और उनको करना भी है आप कैसे रिविजन कंडक्ट करें एक्चुअली डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप वट एवर यू थिंक आप पहले केमिस्ट्री को थरोली करके चलना चाहते हैं या मैथमेटिक्स को पहले करना चाहते हैं या फिजिक्स को पहले करना चाहते हैं इट्स योर चॉइस बट आपको करना है ओके okay? तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल डियर स्टूडेंट्स मैं ये अब ये आप न सोचे और मैं ऐसा कह भी नहीं सकता कि ये चैप्टर है इन्हीं को कर लीजिए क्यों जब से मल्टीपल डेज एग्जाम होने लगे ये समझ रहे ना डेज डेज मल्टीपल डेज एग्जाम चलते हैं तो सभी चैप्टर से क्वेश्चन जरूर होते सभी चैप्टर से स्पेशली मैं डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले ऑर्गेनिक में और इसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि आपकी स्कोरिंग निश्चित रूप से हंड्रेड परसेंट ही रहेगी आप स्कोर एट्टी प्लस तो कर ही लेंगे डेफिनेटली इन और उसमें सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक को मेंटेन करना होगा ऑर्गेनिक में जीओसी हाइड्रोकार्बन जीओसी में टू क्वेश्चन है और हाइड्रोकार्बन तो पहले स्ट्रेटजी में हम लेते हैं जीओसी हाइड्रोकार्बन इन दो को लेकर चलते डियर स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन की स्टडजी के लिए आपको तीन पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा पहला आपको यह समझना पड़ेगा थेरी थेरी के लिए आपने नोट्स तैयार कर रखे मुझसे पढ़ रहे थे या किसी अदर टीचर से पढ़ रहे थे एक चीज ध्यान रखना हर कंडीशन में वो नोट्स आपके पास रहना चाहिए आपने नोट्स बना रखे उसके साठ नोट्स हैं उनको जरूर देख लेना बहुत अच्छी तरह से और जो सेकंड पॉइंट है हाउ टू प्रैक्टिस क्वेश्चन क्योंकि नोट्स में कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है और कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ उनसे रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके लिए आपके पास मटेरियल है मॉक टेस्ट क्वेश्चन है मॉड्यूल्स हैं और स्पेशली आपको डेप्थ में नहीं जाना हो, कई बार मैं आपको बता चुका हूं सजेस्ट कर चुका हूं प्रीवियस सेशन में सजेस्ट किया था कि आपको जेई मेंस के लेवल को लेके ही चलना है। ओके और तीसरी जो बहुत जरूरी है पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन तीन पॉइंट्स में आप थारोली कंसंट्रेट करना है आपको क्योंकि जो चैप्टर आप थारोली नोट्स पढ़ लें उसके कॉन्सेप्ट पढ़ें और पढ़ने के बाद तुरंत आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर चुके हैं आपको सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए उन चैप्टर में पीवाईक्यू देखने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको यह आईडिया हो जाएगी कि इनमें किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ओके पीवाईक्यू एक बार देख लेंगे पहले आप थ्योरी पूरी पढ़ लीजिए नोट्स पढ़ लीजिए पीवाईक्यू पे नजर डालिए और वो किन किन टॉपिक से हैं उन टॉपिक में अपने आप को थारोली कंसंट्रेट करिए और उससे फिर प्रोबेबल क्वेश्चन करने का प्रयास करिए जो आपने लिमिटेड क्वेश्चन मॉड्यूल्स में या मॉक टेस्ट के हैं या डियर स्टूडेंट्स अल्टीमेटली पी वाइक्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लीजिए ओके okay? और एक चीज ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितने भी नेम रिएक्शन है उनको थरोली अटेम्प्ट कर लीजिए सारी नेम रिएक्शंस एक भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए आप हाइड्रोकार्बन से लेकर के हेलोएलकेरिन जीओसी में तो कॉन्सेप्ट को आपको देखना है क्योंकि जीओसी के कॉन्सेप्ट को मिसिंग नहीं कर सकते हैं वो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो मेसोमेरिक इफेक्ट हो विथ अपेशन एंड अब उनको जरूर देखना पड़ेगा एंड देर डिफरेंसेस विद ईच अदर्स ओके क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक तैयार करना है तो जीओसी को बेस लेके चलना पड़ेगा वो चाहे आई हो या आइसोमेरिजम हो या आपका हाइपर कंजुगेशन इन बोथ द फॉर्म राइट और इसके बाद हाइड्रोकार्बन ले लीजिए तो इट मीन ईथर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक है, है और बायोमालिक्यूलिक्यूल्स में ध्यान रखना सुपर कमांडिंग के लिए डियर स्टूडेंट आपको नीट के जो मैंने क्वेश्चन दिया है नीट लेवल के क्वेश्चन जरूर देख लीजिए वो जेई मेंस की प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम अपियरेंस uh, प्रोबेबिलिटी को रिपीट करेंगे ओके okay? और नेम जितनी नेम रिएक्शन है सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स की थारोली देख लीजिए विद एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शन और नेम रिएक्शन के बाद जितने ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हैं उनके ग्रुप टेस्ट विद रिएक्शन सारे ग्रुप टेस्ट होने चाहिए और विद रिएक्शंस उसको मिसिंग बिल्कुल ना करिए और इसके लिए आपके नोट्स हैं वो सब कुछ अवेलेबल है बट एन को कभी इग्नोर ना करिए एन की एक एक लाइन को ढंग से देख लीजिए ओके क्योंकि मेन सेशन में जिन स्टूडेंट का स्कोर बहुत अच्छा नहीं हुआ उनके पीछे एक ही एक ही रीजन है कि वो इस लेवल पे नहीं पहुंचे थे वो अपने आप को कंसंट्रेट किए थे एडवांस में हा नो डाउट जिनका स्कोर सेशन में बहुत अच्छा वो एडवांस में कंसंट्रेट करें लेकिन जिनका स्कोर नहीं हो पाया है प्लस नहीं आ पाई है उनको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है एनसीआरटी की एक एक लाइन को देख लीजिए सभी एनसीआर चैप्टर से चाहे ट्वेल्थ की हो ऑर्गेनिक की, हो, की हो, फिजिकल की हो या इनऑर्गेनिक की हो पॉइंट टू रिमेंबर और एक एक लाइन एक्सेप्शन तैयार कर लीजिए राइट ये ऑर्गेनिक में इन चीजों को विशेष ध्यान देना है और ये जरूर याद रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्टिव इंफ्लुएंस एरोमेटिसरोमेटिकायरेक्टिव इंफ्लुएंसिंग ग्रुप होते हैं कहां के इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कब बढ़ाते हैं इसमें एक्सेप्शनल पॉइंट कौन से होते हैं इसमें आपको हाईली फोकस करना है ये आप पीवाई में देख चुके होंगे समझ चुके होंगे ओके okay? और ये तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और वो ये है कि जितने लॉज हैं चाहे वो मार्कोनिकोनिकॉप हो या सेटजेब रूल हो या अदर्स है उनको थारूली देख लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सुपर कमांड में पहुंच गई राइट हाँ प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी चाहे स्टेगर्ड हो स्टेगर्ड पोजिशन हो सह प्रोजेक्शन हो ओके okay? कंफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन हो यू हैव टू कंसनट्रेट टू योर सेल्फ ओके अब बात करते हैं हम ये तो आपका चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक में हो थेरी में और प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन के लिए बताई मैंने और पीवाई क्यू इसी तरह आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है जानते हो किसमें प्रीवियसली पहले पार्ट में ले लीजिए आप थ में, में पढ़ा था ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट ट्वेल्थ स्टूडेंट जो थे वो एलेवें एक बार देखिए क्योंकि उनका अप्लाइड फॉर्म ही तो आपको पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में देखने को मिलेगा ओके okay? तो पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह से एलिमेंट्री लेवल पे देखना है और सेकेंडरी पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक ये देयर स्टूडेंट जो ट्वेल्थ पेरिंग स्टूडेंट हैं उसमें आपको पी ब्लॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिसिंग किए हैं आप ध्यान रखना पी ब्लॉक में बहुत डेप्थ में नहीं जाना पी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप हैं

इन में भी आपको हर नोट्स को शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है नोट्स पहले से बने हुए थे इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन को पहले थारोली देख लीजिए थेरी और थेरी देखने के बाद डियर स्टूडेंट आप पी वाई क्यू नजर डालें और पी वाई क्यू जब आप देख लेंगे थेरी पढ़ चुके हैं और पीवाईक्यू क्यू पढ़ा तो तुरंत एवरग्रीन रहेगा आपके माइंड में कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है किस चैप्टर से है

एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट उसके फॉर्मूला आप थारोली तैयार कर लीजिए नो डाउट उससे रिलेटेड जो आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होंगे लास्ट में पीरियोडिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने टॉपिक हैं उनके फॉर्मूला क्योंकि ये वही चैप्टर है जिसको कोई भी नोमेरिकल आ जाए अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड द रिजल्ट ओके और केमिकल बॉन्डिंग डियर स्टूडेंट मोस्ट कंसेप्चुअल चैप्टर क्योंकि एक चैप्टर ही नहीं है इसका अप्लीकेशन अदर चैप्टर में है तो केमिकल बॉन्डिंग को जितने भी उसमें है टॉपिक थारूली एक बार उनके नजर डालिए आपके नोट्स देख लीजिए जो नोट बना रखे उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें क्योंकि इस समय नोट भी इधर उधर कर देते हैं तो ना तो आपका पी वाई क्यों कुछ कर पाएगा और डेयर स्टूडेंट्स ना ही आपका मॉकते से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करना जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे रिजल्ट उतना ही आउटपुट पाएंगे लेकिन उसके लिए कंसेप्चुअल कंफर्मेशन बहुत जरूरी है और ये तभी जान पाएंगे पीवाई क्यू पढ़ेंगे टॉपिक तैयार कर चुके हैं उन किस टॉपिक से रिलेटेड पीवाई क्यू क्वेश्चन था और उसमें क्या हम कमी कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए राइट और डियर स्टूडेंट्स थर्मोडाइनमिक्स इक्वालिबिरियम इक्वलिब्रियम में आयनिक इक्वलिब्रियम में आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है थर्मोडाइनामिक्स में इन थेपीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते राइट और रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि इनमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और सोल्यूशन इनको सुपर स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लीजिए क्योंकि इनको यदि बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप 65 70 में पहुंच जाएंगे 99 परसेंटाइल मिल जाएगी राइट right? तो डियर स्टूडेंट ये आपको केमिस्ट्री में मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल इन टाइम सुपर स्ट्रॉन्ग रिविजन से अपने को एवरग्रीन कर सकते हैं और डियर स्टूडेंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं याद करिए मेरे सारे वीडियोस सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर परिहार में सारे पढ़े हुए सेशन फर्स्ट में उसमें टेन डेज ट्वेंटी डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टेन डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फाइव डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड लास्ट डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सारे दिए हुए उनको एक बार देख सकते हैं और देखने के बाद आप पाएंगे कि फर्स्ट सेशन में जो मैंने बोला था उसकी प्रोबेबिलिटी नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सही थी और इसीलिए जिन स्टूडेंट ने थारोली फॉलो किया 99.98 नहीं 100 परसेंट टाइम था डियर स्टूडेंट इस इतिहास को आप रिपीट कर सकते हैं नो no डाउट आप रिवीजन कॉन्सेप्ट के लिए यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एवरी मटेरियल इज गिवेन देयर और आपके जो यदि किसी के पास नोट्स नहीं है अभी तक किसी की प्रिपरेशन नहीं है केमिस्ट्री में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड लिंक को हम शेयर कर देंगे उससे आप देख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए पूरी जान लगा दीजिए क्योंकि इस समय आप केवल बुक्स पर ही आप बुक्स क्वेश्चन टॉपिक पी क्यू इसके अलावा आपके सामने कुछ नहीं दिखना चाहिए दावे के साथ कहते हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे क्यों क्योंकि यदि ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया तो बाद में इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए एंड नॉट को फेस करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट अभी आपके पास समय है अभी आपके पास स्टेमिना है अभी आपके पास स्ट्रेटी है और डियर स्टूडेंट अभी रिजल्ट को केमिस्ट्री के थ्रू पूरी तरह से स्ट्रेटी को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के आपके अंदर स्टेप है डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा करेंगे डियर स्टूडेंट्स आपके डाउट से अदर क्वेश्चन को लेकर के कल लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी थैंक यू बेस्ट ऑफ लक